हाय हेलो यूट्यूब, आज संडे राइड है और अभी हम नरौली पुल पर है। नरौली पुल पे हैं और ये झंडा हमारा, इसे तिरंगा चौराहा कहा जाता है। अभी हम यहाँ हैं, अभी टाइम हो रहा है 2:20 शाम को या दोपहर का लीजिए। आज हम रानिंग सराय जायका होटल की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी नाम सुना है जायका होटल का। और ये तिरंगा चौराहा नरौली, आज बिन प्लास बहुत ज़्यादा है। आज आशा करता हूँ कि आज आवाज़ में ठीक आ रही होगी। मैंने सोचा कि आज ही एक वीडियो बना लेते हैं क्योंकि सड़कें खाली रहती हैं। अभी 55 की स्पीड में है गाड़ी। अभी 3-4 पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ वीडियो एडिट करने पड़े। और जो भी की उसमें ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं डाल पाए और इसमें क्लियर आवाज़ भी नहीं थी। और इस एक्शन कैमरा में बहुत क्लियरिटी नहीं आती है वीडियो की। और बाद में मैं सोच रहा हूँ कि एक एक्शन कैमरा लिया जाए, कि जो भी अच्छा कैमरा रहेगा उसको हम लिया जाएगा। ये काशीराम जालान जो कि हीरो एजेंसी है, उसके बगल में PWD ऑफिस। ये रेलवे स्टेशन की तरफ रास्ता गया है। अच्छा, इस पुल की एक खास बात है कि शहर में जितने ब्रेकर नहीं होंगे इस पुल पे ब्रेकर हैं। आप खुद ही देख लीजिए, पहला ब्रेकर, दूसरा ब्रेकर, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब ये पूरा जितना ये ओवरब्रिज बना हुआ है उस पर ये ब्रेकर का काम करता है। जितने शहर में नहीं होंगे उतना इस ओवरब्रिज पर होंगे। हमारे लेफ्ट में रेलवे स्टेशन की पटरियां हैं। फिलहाल एक सब्सक्राइबर जिनका एक सब्सक्राइबर है जिनका PB डांसर चैनल है, उनको भी सपोर्ट कीजिए। काफ़ी हमको सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं करते हैं। और उन्हीं गलतियों को, उन्हीं चीज़ों को हम सीखते हैं और सीखना भी चाहिए, क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो हमको बताएंगे उसी पर हम वीडियो बनाएंगे। और काफ़ी अच्छा लगता है उनकी कमेंट, और पॉजिटिव कमेंट है ये, नेगेटिव कमेंट नहीं है, कि जिससे आपको ये लगे कि नहीं यार ये बंदा ने सही बोला नहीं है। नहीं करते हैं, बंदा ने सही बोला है, गलतियां थी हमारी, उसको हम सुधार रहे हैं।
और ये बिलेसा सब्ज़ी मंडी का रोड है, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा और पूर्वांचल में भी सबसे बड़ा माना जाता है सब्ज़ी मंडी। और ये भी सड़क बन रहा है, क्योंकि ये सड़क करीब 5 साल से लगातार ही बन रहा है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं इस साइड बनाई नहीं है, कंप्लीट ही नहीं है। और गर्मी भी कुछ ज़्यादा है आज, जैसे जैसे मौसम ठंडा था वैसे वैसे गर्मी भी आ रही है। अब लगता है कि प्रचंड गर्मी पड़ेगी। गर्मी तो भाई साहब पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि गर्मी ने अभी से ही रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है हमारे दोस्त मित्र, कृपया इस चैनल को आगे और बढ़ाएं। क्या है तो वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये भी हम रानी की तरह की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मूड था कि जायका होटल तक ही जाएं, और अंदर तक की चीज़ें तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आपको जायका होटल तक की रूट सारा दिखा देंगे। सरकार इन साड़ों के लिए कुछ करे, क्योंकि ये सड़क पे एक्सीडेंट कराते हैं, ये ढेर सारे साड़ बैठे हैं, अब देख लीजिए। ये हुंडई का शोरूम है जो, और इधर बगल में रिलायंस का। कुछ साल पहले रिलायंस की पेट्रोल पंप बंद थी, मायावती सरकार ने इसको बंद करा रखा था। अब सरकार बदलती है तो कुछ नियम कानून भी बदलते हैं। और जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे कि अगर क्लियरिटी अच्छी है आती है आ रही है तो बताएं। मुझे धुंधला धुंधलापन दिखाई देता है इस वीडियो से, और आप एडिट करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा क्लियर आ रहा है। आवाज़ तो आपको हो, आशा करता हूँ कि अच्छी आ रही होगी, क्योंकि गोप्रो बड़ी महंगे आते हैं सेटअप। ये होंडा का शोरूम, क्योंकि होंडा का शोरूम अभी जल्द ही बना है। ये आप विश्वास माने या ना माने, लेकिन इस रोड पे जाने के लिए और बनारस तक पहुंचने के लिए आपको 4 घंटे लगते थे, जो कि 4 घंटे लगते थे। अब अभी भी वही हालत है, क्योंकि अभी रोड बने नहीं है। और ये जो आप ओवरब्रिज देख रहे हैं सामने, ये बनारस टू सोनौली बॉर्डर तक है, नेपाल तक जाती है, और नेपाल तक जाती है। इसके बाद ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है अभी। काफी सुधार आ गया है।
ये रानी सराह का बाज़ार यहाँ से स्टार्ट होता है और सुनने में आ रहा था पहले ये तोड़ फोड़ की गई क्योंकि तो अतिक्रमण ज़्यादा हो गया था, सड़क पे आ गए थे, उसको हटाने के लिए प्रशासन को भी लगाना पड़ा और फिलहाल टूटा भी और सड़क निर्माण भी चौड़ी हो रही है। पहले ये जो हम सिंगल लेन पे भी जा रहे हैं फिलहाल सड़क इतनी चौड़ी हुआ करती थी, अब देख रहे हैं कि अब ये डबल क्रॉस हो गई है जो कि काफ़ी अच्छा है। ये आपको टूटा टूटा सा दिखाई दे रहा होगा, अभी नहीं आगे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ की सारी बिल्डिंगें जो अतिक्रमण के हिसाब से थी वो तोड़ा गया है, देख सकते हैं यहाँ तोड़फोड़ भी ज़्यादा हुई है और यही वीडियो समाप्त करते हैं आज के लिए।